हमारे आयुष विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी श्री पी के पाठक जी, योगेश मिश्रा जी, राकेश कुमार जी जो डीजी हैं यूपी सेल के, श्री दिनेश जी, नितिन अग्रवाल जी, डॉक्टर एस एन सिंह जी जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। प्रसन्नता है मुझे कि मैं ये जो एक्सपो तीसरी दफ़ा यहाँ आयोजित हो रहा है उसमें ज़्यादातर मैं इसमें सम्मिलित हुआ और निरंतर ये एक अच्छे उससे हो रहा है। इस दफ़ा विश्व प्रशर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके साथ मिल के विशेष करके डॉक्टर अग्रवाल जी को, देश जी को, दिनेश जी को भी उन्होंने इसको प्रयास करके मैं किया है। अपनी आयुष विभाग को भी मैं बधाई दूंगा। जनक साहब, ये आरोग्य जो है ये हमने 2002-03 में शुरू किया जब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे और पहला आरोग्य लखनऊ में हुआ क्योंकि अटल जी वहाँ से मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर थे। तो हम मैं उनको वहाँ से स्पेशली दिल्ली से PM के साथ मैं गया था लखनऊ और पहला आरोग्य मेरा हमने वहाँ से शुरू किया था और आरोग्य शब्द उस वक्त हमने दिया ये हमारी सेक्रेटरी सचिव होती थी श्रीमती शैलजा चंद्रा जी। इसका इस प्रकार शुरू शुरू हुआ और अब एक और डिपार्टमेंट ने पिछले 5-6 साल से शुरू किया है आयुर्वेद पर, वो भी इसी रूप में पूरे देश के अंदर बनाया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन पिछले तकरीबन को 114-15 वर्षों से आयुर्वेद की शिक्षा में, रिसर्च में और सारी फार्मेसिस के साथ देश में पूरे विश्व में काम कर रहा है। इसके अभी अध्यक्ष के नाते मुझे बड़ा गर्व है कि महासम्मेलन का कार्य पिछले शताब्दी से बहुत अच्छा हुआ और ये भी मुझे बताते बड़ा हर्ष होता कि पंडित मनमोहन मालवीय जी का भी इसके हमारे अध्यक्ष है, ये बड़े गर्व की बात है। मुझे ये कहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यूपी के अंदर गोरखपुर के अंदर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने वहाँ आयुष विद्यालय के बनाने की घोषणा की और उसका शिलान्यास भी हुआ। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनेगी, आयुर्वेद के विश्वविद्यालय बनेगा जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी सारे पूरा आयुष विभाग होगा और ये बड़ी मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हमारा विभाग अलग बना, विभाग तो पहले अलग से था लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री अलग करा और जब से वो मोदी जी आए हैं तब से हमारा पूरे ना कि देश में पूरे विश्व में आयुर्वेद का बहुत नाम हुआ। उन्होंने हमारे हॉलीडे शूट के फंक्शन में कहा था योग को पूरी दुनिया में स्थापित किया है, अब आयुर्वेद की बारी है कि आयुर्वेद को पूरे विश्व में ऐसे स्थापित करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज देखिए हमारे विभाग के दो मिनिस्टर्स हैं जो कभी नहीं हुए, हमेशा MOS रहे, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और दो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी राजेश कुटेचा जी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी पाठक जी हैं। पाठक जी ने खुद ऑप्ट किया कि मैं इसी विभाग में रहना चाहता हूँ। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विभाग के भी दो सेक्रेटरी हैं और कभी किसी टाइम में जब हमारा डिपार्टमेंट होता था हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी होते थे क्योंकि पूरे एक साल के अंदर शायद कुछ घंटे देते थे विभाग में। एक बहुत बड़ा चेंज है आयुष विभाग का। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष करके दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महासम्मेलन ने जब उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे विभाग का जो सचिव है वैद्य हो और उन्होंने उस बात को माना और आज जो हमारे सेक्रेटरी वैद्य राजेश कुटेचा जी हैं वो एक बहुत अच्छे सक्षम चिकित्सक भी हैं, अच्छे कुशल प्रशासक भी हैं और किस प्रकार विभाग को पिछले 4 साल से ज़्यादा वो सचिव के नाते कर रहे हैं और मुझे लगता है शायद ही भारत सरकार में किसी विभाग में कोई सेक्रेटरी 5 वर्ष लगातार सेक्रेटरी रहा हो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो एक निर्णय लिया कि हमारे टेक्निकल वैद्य को एक सचिव बनाया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे आगे बढ़ रही हैं। हम जब देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स है, चाहे आयुष उसकी फार्माकोपिया कमीशन हो या हमारा ऑल इंडिया इश्यू ऑफ आयुर्वेद बना, मेडिसिन प्लान बोर्ड बना, सारी जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी बहुत प्रगति हो रही है। हमारा बजट हम देखते हैं तो बहुत कई गुना बढ़ा, कई गुना से भी कई ज़्यादा। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे सचिव और हमारे मंत्री जी का दिशा निर्देश। मैं उनको फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं जनरल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि 2002 या 2003 में हमने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली में और 5 जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आयुर्वेद का खोलने का निर्णय लिया था और दिल्ली के पूना के अंदर वो 1 वर्ष लगातार चला। कुछ समय के बाद माने कि प्रॉब्लम 2004 में बदल गई और
फिर पूरा एक साल के अंदर उसको रोल आउट कर दिया गया। अब डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है, लेकिन जनरल साहब तो भी वहाँ जनरल नहीं है, मंत्री तो है ही हैं, तो अगर वो विशेष इसका प्रयास करेंगे तो पुनः डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर वहाँ फिर आयुर्वाद जो है आयुर्वेदा जोर को पुनः स्थापित करें डिफेंस के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। मैं इन शब्दों के साथ राकेश जी का विशेष करके धन्यवाद करता हूँ, उनकी हमेशा रुचि रहती है, उनकी पूरी टीम का, और अभी विश्व का जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है, और जो हमारे जितने सारे इंडस्ट्री यहाँ आई है शॉर्ट पीरियड में, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। देखा मितानी जी बैठे हैं, सब लोग आए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रकार सब लोग इसमें जुड़ते हैं कार्यक्रम में आके, इससे आयुष को, आयुर्वेद को, योग को एक बहुत बड़ा उत्साह मिलता है, और लोगों को हम आप अगर देखेंगे ये जो कोविड पीरियड है, पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री जी जब हमारी वर्चुअल पहली मीटिंग हुई थी, तब हमने जब उनको जो भी दिए थे, हमने अपने सुझाव दिए थे, उस पर सबको माना, और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद आज अगर भारत के अंदर कोविड कम फैला है, उसमें आयुर्वेद का, आयुष का, योग का विशेष महत्व है, और उसी वजह से हमारा कोविड दुनिया में कम फैला। ये तो दुनिया के लोग सोचते थे शायद भारत में कोविड इतना फैलेगा कि भारत सरकार इसको शायद संभाल नहीं पाएगी, लेकिन हमारे लोगों की ह्यूमिलिटी बढ़ी, और उसमें विशेष कारण किसी न किसी एक चीज़ में आयुर्वेद में, किसी ने हल्दी ली, किसी ने काढ़ा लिया, किसी ने कोई भी चीज़ ली है जिससे हमारी ह्यूमिलिटी बढ़ी है, और हम इस कोविड को, महामारी को सफल हुए हैं। लेकिन अभी भी हमको ध्यान रखना है, थर्ड वेव से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपने आपका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार। Thank you, Chita, for the interview. And now,